So let's work on problems which involves calculation of heat, little bit of thermodynamics, maybe depend karte, and power and concept of rated voltage, rated power, and things like that. So let's start with a very simple question. Har ek problem mein kya aapko karna kuch nahi, agar aapko power find karna hai to you should know any of the two things, like ya to aapko रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या फ्लो है वो पता होना चाहिए, या फिर अगर करंट नहीं पता है तो रेजिस्टेंस के थ्रू के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है वो पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस एंड करंट कितना फ्लो है, अगर आपको रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, कुछ तो पता होना चाहिए। सो मेन एम जो होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको बेसिकली सर्किट सॉल्व करना होता है, सर्किट के हर एक एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल या फिर हर एक एलिमेंट के थ्रू करंट वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। अगर आपने वो फाइंड कर लिया तो फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यू हैव अ 4 ओम रेजिस्टर यहाँ पर, एंड देन यू हैव 2 रेजिस्टर्स, 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो रहा होगा, मैंने एरो बना दिए। तो आपको ये फाइंड करना है कि हर एक रजिस्टर के थ्रू क्या है, पावर डिसिपेटेड कितना है या फिर पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, एंड हीट प्रोड्यूस क्या है इन 3 सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज वी नीड टू फाइंड पावर डिसिपेटेड in all register and second part mein we require heat produced in 3 seconds, hai na. Sab log try karo isme har ek resistance ke through, ya to aap potential difference inke through across nikal lo, ya fir aap unke through jo current flow hai wo value nikal lo, and then you will be able to find power and heat in all cases. ट्राई करो अच्छे सब लोग, बताओ आंसर क्या आ रहा है।
सिखा रहे हैं? आंसर बच्चों चैट पे रिप्लाई करो। कितना आ रहा है? 18, 24 and 48 watt। ओके लेट मी चेक। 18, 24 and 48 watt ऐसा तो किसी में भी नहीं है। Thirty-six, twelve, and six. Let me check. पता नहीं। हाँ 36, 12 and 6 है ना, ये आंसर है। पावर अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। पहले तो क्या, मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, और बहुत छोटा सर्किट है तो सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगा। सो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट इट, ठीक है। 6 और 3 का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा ना, मैं पहले छोटे छोटे सर्किट एक हम नीचे बना लेता हूँ, नॉट राइट साइड। सो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। सो इट मींस मैं इस सर्किट को छोटा करके ऐसा लिख सकता हूँ, 4 ohm and 2 ohm, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 18 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे जो करंट का वैल्यू, अब यहाँ से वर्बली लिख सकते हो, 18 वोल्ट का आपका बैटरी है ना, एंड रेजिस्टेंस टोटल कितना है, 4 + 2 = 6 हो जाएगा। तो 18 volt / 6 है ना, तो ये मेन करंट मान लो अगर मैं आई लिख रहा हूँ, तुम्हारे पास जो आई का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 18 volt / 6 यानी 3 ampere है ना, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 3 ampere का आपके पास करंट है। सो 3 ampere का करंट आगे निकल रहे, तो ये आई यहाँ से पास होगा, दैट इज ट्रू, ये आई यहाँ से पास होगा, 2 ohm के थ्रू भी क्या होगा आपका आई पास होगा, बट 2 ohm एक्चुअली हमारे पास नहीं है, 3 ohm और 6 ohm है ना, 3 ohm और 6 ohm ये एक्चुअल सेटअप में है हमारे पास। तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल उसको पहले यूज कर लेते हैं। तो यहां से करंट हमारे पास कितना फ्लो है, दैट इज 3 ohm, ठीक है। तो अगर 3 ohm करंट फ्लो है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है 4 ohm के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V equals to IR होता है। तो करंट 3 ohm का है, रेजिस्टेंस 4 है, मतलब 12 volt का क्या आपका 4 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। तो ऐसे सोचना आपको कि बैटरी 18 वोल्ट का है, 12 वोल्ट तो यहीं पर खत्म हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 6 volt, मतलब इन दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल बचेगा, वोल्टेज बचेगा, वोल्टेज डिफरेंस होगा, दैट विल बी 6 volt। अगर ये 6 volt है तो मैं अलग 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 ब्रांच में करंट निकाल सकता हूँ। जैसे अपर वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, तो वोल्टेज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस आपको सबको सेम मिलता है। तो ऊपर वाले ब्रांच में वोल्टेज कितना है, 6 volt का है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, 3 ohm। तो V इक्वल्स टू IR फॉर्मुला लगाओ तो करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, 6 volt / 3। तो यहाँ पे करंट कितना मिलेगा आपको, 2 ampere, मे बी मैं एम्पियर भी लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे वाले को करंट कितना मिलेगा, तो 6 volt का है वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपके पास 6 ohm है, तो V इक्वल्स टू IR यूज करोगे तो करंट आ जाएगा 1 ampere, ठीक है। सॉरी 1 ampere लिखना था, मैंने कुछ और लिख दिया, 1 ampere आ जाएगा, ठीक है। अब हर एक मतलब अब डिपेंड करता है ना, मैं क्या है, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मैं आपको करंट के थ्रू मेथड बता रहा हूँ, आप वोल्टेज के थ्रू भी कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज आपको हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पता चल चुका है। तो मैं भी एक काम कर लेते हैं, दोनों से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व वेयर वी आर फोकसिंग ऑन करंट ओनली। सो करंट पे फोकस करके अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पावर जो है 4 ohm को मैं 4 लिख रहा हूँ, P4, 4 ohm के थ्रू जो पावर होगा I² R लिखोगे, तो करंट कितना है 4 ohm के थ्रू, 3 ampere, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो गया 36 watt, ठीक है। यही अगर आप पावर 3 ohm के थ्रू देख रहे हैं तो 3 ohm से करंट कितना पास हो रहा है, 2 ampere, तो I²R होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 3 है, कितना आ गया 12 watt आ गया। सिमिलरली अगर आप 6 ohm के थ्रू देखेंगे पावर, तो ये हो जाएगा करंट का वैल्यू उसमें 1 ampere फ्लो है और रेजिस्टेंस वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 6 watt हो गया।
तो ये करंट मेथड हो, अगर आप वोल्टेज मेथड यूज करते हैं तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो मैं राइट साइड में लिख दे रहा हूँ, एक अपने को कॉन्फिडेंस भी उसमें होना चाहिए कि हाँ नहीं ऐसे भी सही आ रहा है। वोल्टेज मेथड अगर आप यूज करते हैं तो वोल्टेज मेथड लेके आपको आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर यूज किया। वोल्टेज मेथड में क्या करेंगे आप पावर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। तो वोल्टेज पता होना चाहिए ना, वोल्टेज डिफरेंस पता होना चाहिए आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो अगर 4 ओम के थ्रू पावर लिखेंगे तो वी स्क्वायर बाय लिखूंगा, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, तो 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज 4, आप देखेंगे ये 36 याद। सिमिलरली अगर 3 ओम और 6 ओम दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट है तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ओम का रेजिस्टेंस 36/13 ना, तो 12 वोल्ट हो जाएगा, सेम रिजल्ट। सिमिलरली 6 के लिए आप निकाल सकते हैं 6 ओम के थ्रू वोल्टेज तो वही है 6 है डिवाइड बाय 6, ये कितना आ गया आपका 6 वोल्ट आ गया। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका सेम आएगा ना, एज लॉन्ग एज यू आर सॉल्विंग इट करेक्टली, ढंग से आपने कैलकुलेशन किया है, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं किया, आपका रिजल्ट क्या होगा कैसे भी आप लिखें, कोई भी फॉर्मेट में लिखें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस की बात है, कोई एक ही यूज कर लेते हैं। So, जैसे अगर हम लोग 4 ओम के थ्रू हीट प्रोड्यूस निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं पावर, यहाँ पे क्या पावर कांस्टेंट, 36 वाट का मतलब क्या हो, फिक्स कांस्टेंट पावर है ना, वेरिएबल नहीं है यहाँ पर ना, वेरिएबल होता है तो कुछ टाइम का फंक्शन वगैरह ये सब कुछ होता है, तो कांस्टेंट पावर है। तो फिर पावर को आपको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट हीट एनर्जी मिल जाएगा कंज्यूम। तो 3 सेकंड में कितना हीट प्रोड्यूस किया 4 ओम रेजिस्टर ने, H4 लिख रहा हूं मैं इसको, तो कितना हो जाएगा P4 का वैल्यू इंटू 3, सो दिस विल बिकम 36 इंटू 3, आई गेस 108 जूल आ जाएगा, एनर्जी का यूनिट आपका जूल हो गया। सिमिलरली H3 अगर आप लिख रहे हैं तो पावर 3 का कितना है, उसको 3 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 36 जूल हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली H6 अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो H6 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पावर ऑफ 6 ओम एंड टाइम 18 जूल हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, इट्स फास्ट नोट करो। ओके, सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया इसमें। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग रेटेड पावर एंड वोल्टेज उस पर क्वेश्चन करेंगे, एंड विल ऑल्सो सी अगर आपके पास वेरिएबल करंट है तो उसमें आप हीट कैसे इंटीग्रेट करके या फिर पावर आप इंटीग्रेट कैसे करके कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट विल कवर इन नेक्स्ट सेशन, एंड देन उसके बाद हम लोग और उसके आगे का यूनिट कवर करेंगे, ओके।